नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। 31 अगस्त 2022, और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन नेवी इज एन साइन। देखो ये जो फ्लैग आप देख रहे हो इसमें ये रेड क्रॉस है, और इसके इस लेफ्ट कॉर्नर में आप ये हमारा ट्राई कलर देख सकते हो। ये करंट फ्लैग है इंडियन नेवी का। अब इसको रिप्लेस करके नया फ्लैग जो है वो अनवील हो रहा है, ओपन किया जा रहा है, मतलब नया जो है वो फ्लैग लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इस फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया कहाँ से, ब्रिटिश लेगेसी से। फ़र्क इतना सही है कि यहाँ पर जो ट्राई कलर है हमारा, इसकी बजाय यहाँ पर कौन सा फ्लैग हुआ करता था, यूनियन जैक। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रिटेन का जो फ्लैग है वो इस तरीके का स्क्वायर टाइप, ठीक है, यूनियन जैक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको फिर उस जगह को केवल हमने हमारा तिरंगा लगा दिया, और बाकी ये क्रॉस ऐसा का ऐसा रह गया, जबकि आपको ये पता है ये ब्रिटिश लेगेसी को शो करता है, तो ऐसे में इसको रिप्लेस किया जा रहा है। साथ में ये किस दिन होगा, 2 सितंबर, मतलब परसों। ओके, जिस दिन पहला हमारा खुद का स्वदेश निर्मित इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, वो भी कोची शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया जा रहा है, उसी दिन ये नया फ्लैग जो होगा नेवी का वो भी एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा। राइट, नेवल एंसाइन की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर होंगे, वो अनवील करेंगे इसको। और ये जो क्रॉस है रेड क्रॉस, इसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज क्रॉस। ठीक है, और साथ में इसके लेफ्ट में आपको पता है ये क्रॉस हो गया, यहाँ इस वाले कॉर्नर में ये ट्राई कलर हमारा अभी तक अभी है। ठीक है, अब नया जो डिज़ाइन है फ्लैग का वो अभी तक पब्लिक में ओपन नहीं किया गया है, वो 2 तारीख को ही होगा जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अनवील होने का मतलब तो यही है ना। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो रेड क्रॉस है ये जॉर्ज रेड जॉर्ज क्रॉस इसलिए बोला जाता है, और ये इसलिए रेलेवेंट है जैसे कि हम जानते हैं हम गुलाम रह चुके हैं, तो गुलामी के भी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ये जो फ्लैग था ये रॉयल नेवी का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, और इसी से रिकग्निशन मिलता था, ठीक है, ब्रिटिश नेवी को, जब मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ये ट्रेड किया करते थे। ओके, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू किया और यूनियन जैक ऐड करके और इंडियन रॉयल नेवी जो थी उसका फ्लैग बना दिया। फिर जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए और 1950 में जब हमने हमारा फ्लैग ट्राई कलर फाइनलाइज कर दिया था, ठीक है ना, तो वो हमने ऐड कर दिया साथ में। तो 26 जनवरी 1950 को ये जो आप देखोगे फ्लैग जो है वो चेंज हो जाता है, और ये रेड क्रॉस है वो तो एज इट इज रह गया, बस यूनियन जैक की जगह ट्राई कलर आ गया। ओके, अच्छा, इसके पहले क्या कोशिशें नहीं की थी ये ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी को रिमूव करने की कि ये क्रॉस हमने क्यों लगा रखा है, कोशिश की गई थी। 2001 में ये चेंजेस लाए गए थे जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, राइट, तो ट्राई कलर इंट्रोड्यूस हुआ और उसके साथ में मतलब जो क्रॉस था उसको रिमूव रिप्लेस कर दिया गया था नेवल क्रेस्ट, मतलब नेवी का जो कलर है ना, नेवी के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, स्काई ब्लू एंड नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो स्काई ब्लू कलर था ना वो या तो ओशन के कलर से मैच हो जाता था या स्काई के कलर से, तो इसलिए दूर से आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे में 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार आ गई थी तो उसने दोबारा से आते ही चेंज कर दिया मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे, और रेड जॉर्ज क्रॉस है ये तो एज इट इज ला दिया। अब ट्राई कलर जो था कॉर्नर में उसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर दी, वो क्या थी कि ये जो क्रॉस है इस क्रॉस में अशोक चक्र, ठीक है, लायंस कैपिटल, अशोक चक्रा वाला जो है लायंस कैपिटल जो है वो और ऐड कर दिया, जो हमारा नेशनल सिंबल है उसको, नेशनल एम्बलम, ठीक है, वो और ऐड कर दिया। फिर 2014 में चेंज किया गया, क्या ऐड कर दिया, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखवा दिया देवनागरी में। तो कुल मिलाकर के अभी का जो स्टेटस है वो ये कि ये जो आप फ्लैग देख रहे हो ये रेड क्रॉस ही है, यहाँ पर बीच में नेशनल एम्बलम है, यहाँ पर ट्राई कलर है, और बाकी ये चली रहा, और बीच में यहाँ पर एम्बलम के चारों तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये है करंट स्टेटस। अब इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है, और ये जो जॉर्ज रेड क्रॉस है, रेड रेड जॉर्ज क्रॉस, ये बेसिकली किसको सिंबलाइज करता है, ये देखो क्रिश्चियन वॉरियर सेंट थे जिनका नाम था सेंट जॉर्ज क्रॉस, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर उन्हीं को सिंबलाइज करने के लिए ये फ्लैग जो है इस तरीके का है। ठीक है, इसको देखो लंदन में 1190 में अडॉप्ट कर लिया था, और ब्रिटिश नेवी ने ये अपने ब्रिटिश नेवी के लिए 1717 में प्रॉपर मैनर में यूज़ करना कर दिया, शुरू कर दिया था। ठीक है, खैर उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्या हमारे लिए हिस्ट्री है। इसके अलावा ये जो सिंबल था ब्रिटिश नेवी का फ्लैग जो था वो कंटिन्यू कर रहे थे जितने भी कंट्रीज ब्रिटेन की कॉलोनीज थे,
पर अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने फ्लैग चेंज कर लिए अपनी नेवीज़ के, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जो कि ब्रिटिश अंपायर का ही अभी कॉमनवेल्थ का ही पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर अभी भी हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ही है, ठीक है, तो उन्होंने भी अपना नेवी का फ्लैग चेंज कर दिया, तो हम भी अब चेंज कर रहे हैं, पर हम थोड़ा लेट हैं, कोई बात नहीं, पर देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट है कैंसर फाइटिंग वायरस। देखो अभी एक स्टडी रिवील हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑन्कोलाइटिक वायरस जो है वो ऑन्कोलाइट मतलब ट्यूमर से रिलेटेड जो होता है, ठीक है, तो ट्यूमर को डेड किल करने के लिए ये वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, साथ में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, कुल मिलाकर के कैंसर सेल को भी ख़त्म करेगा और कैंसर सेल्स को डेवलप होने से भी रोकेगा। ये स्टडी अभी रिवील हुई है, ठीक है, अब इसमें क्या क्या है वो हम जानते हैं। देखो लेटेस्ट स्टडी का फोकस क्या है, एक वायरस है जिसको हम ऑन्कोलाइटिक वायरस जो बोल रहे हैं, उस वायरस का नाम है माइक्सोमा, ठीक है, मिक्सोमा या माइक्सोमा बोल सकते हो। ये माइक्सोमा वायरस जो है, जो टी सेल्स होती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, ठीक है, उन टी सेल्स को इन्फेक्ट जब कर देता है तो टी सेल्स को हम क्या बोल देंगे, माइक्सोमा इन्फेक्टेड टी सेल्स। ये जो माइक्सोमा इन्फेक्टेड टी सेल्स है ना, ये कैंसर सेल्स को किल करने में बिल्कुल कारगर साबित हो रही है, ये चीज़ देखी गई है। तो ये जो वायरस है ना, इसका इन्फेक्शन हेल्प करेगा टी सेल को, जिससे और इफेक्टिवली वो काम कर सके। रिसर्च में क्या चीज़ निकल के आई कि टी सेल और ये जो माइक्सोमा वायरस MYXV दोनों मिलकर के कैंसर को साफ भी कर रहे हैं और कैंसर ट्यूमर को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है, ठीक है। आज देखो ऑटोसिस की बात करें, ऑटोसिस एक तरीके का एक फॉर्म है, ठीक है, सेल डिस्ट्रक्शन के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, ट्यूमर जो है उसको ख़त्म करने के लिए, जो सॉलिड ट्यूमर्स होती है ना, गांठ जो बन जाती है उनको ब्लास्ट करके, उनको तोड़ करके और फिर उनको ब्रेक करके और फिर मतलब एक तरीके से जो कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम में आता है ऑटोसिस। तो उस तरीके से ऑटोसिस करो और फिर बाद में आप ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है, माइक्सोमा इन्फेक्टेड टी सेल्स से, ठीक है। माइक्सोमा जो है वो कैंसर सेल को डायरेक्टली डील करेगा और माइक्सोमा इन्फेक्टेड टी सेल्स होंगी वो कैंसर सेल्स को किल तो करेगी पर साथ साथ में आसपास में भी, मान लो कि कोई ऐसी सेल है जो कि इम्यून सिस्टम से छुप करके डेवलप हो रही है, ठीक है, ऐसी कैंसर सेल जो कि इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ढूंढ ढूंढ करके कैंसर सेल्स को मारा जाता है, इसको बोलते हैं बाईस्टैंडर्ड किलिंग। कैसे? क्योंकि इसमें देखो जो कोल्ड ट्यूमर होता है ना, कोल्ड ट्यूमर एक वर्ड आया है, वो क्या कि जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको पता भी नहीं और हमारी बॉडी में धीरे धीरे कैंसर की वो ट्यूमर डेवलप हो रही है, तो उसको भी खत्म करने के लिए ये कैपेबल एनफ कंडीशन मानी गई है माइक्सोमा इक्विप्ड टी सेल्स, ठीक है। तो ये जब काम करेगा तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो स्टडी ने देखो एक तरीके से इम्यूनोथेरेपी को वायरोथेरेपी के साथ में एक तरीके से ऐड किया। टी सेल हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं और इसमें वायरस को और इन्फेक्शन दे दिया तो और ज़्यादा इफेक्टिव काम कर गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो माइक्सोमा वायरस इन्फेक्टेड टी सेल है ये एक सॉल्यूशन के तौर पे इमर्ज होकर के आ जाएगी। अब और थोड़ा रिसर्च इस पर हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में आ जाए, ठीक है, पर शुरुआत में तो वही ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा पड़ता है, आपको पता भी है, पर कुछ तो प्रॉमिसिंग आउटकम मिले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्लांट इन वॉर जोन। देखो हम बार बार अभी न्यूज़ आ रही थी कि ज़ैपोरिज़्या प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वो रशियन और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के अंडर में है और वहाँ से अगर कोई भी अटैक हो जाता है तो फिर लीकेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ओडेसा सिटी है वो तो यहाँ पर लोकेटेड है और इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये लोकेटेड है आपका ज़ैपोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट, जो कि यूक्रेन के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। अगर हम ओवरऑल यूक्रेन को यूँ डिवाइड करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं मुद्दा क्या है पूरा। ज़ैपोरिज़्या जो है वो एक इंपॉर्टेंट टाउन है, जगह का नाम है, वहीं पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसी की जगह के नाम के हिसाब से इसका नाम पड़ गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों लड़ाई में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो उस पर अटैक कर रहा है, वो इस पर अटैक कर रहा है, पर एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यूक्रेन जो है ना वो NPT का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। किस तरीके से? एज ए मेंबर जो कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके पास में खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इस तरीके से उसने NPT को साइन कर रखा है यूक्रेन ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि यूक्रेन जो है वहाँ पर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको कौन मैनेज करता है, कौन ऑब्जर्व करता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओके। तो NPT का सिग्नेटरी भी होगा और IAEA के एम्बिट में भी आ गया। अब सवाल क्या आता है कि रिएक्टर में अगर कहीं कोई ब्लास्ट होता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं,
ठीक है। तो सिचुएशन थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यूक्रेन की अगर बात करें तो वहाँ पर जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है ना उसका 50% तो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड ही होता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा रिस्क है। वैसे तो देखा जाए तो ये जो रिएक्टर्स डेवलप किए जाते हैं ना, मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि रेजिलिएंट हुआ करते हैं, ठीक है। इनमें स्टील, कंक्रीट, इनका एक लेयरिंग अच्छी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। ये रिएक्टर्स जो हैं 8 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक भी आता तो भी इनको डैमेज नहीं पहुँचता। इसके अलावा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है अगर कोई नेचुरल हैजार्ड आ जाए, जैसे आप देखते हो कि कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गई, ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएंगे। और ज़ेफ़िरेज़िया जो रिएक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1980s और 1990s के टाइम पे डेवलप किया हुआ है, जो कि सेफली कंसिडर किया जाता है। अगर मान लो वहाँ पर बंदूक चलाई जाती है, गन फायर एक्सचेंज होता है, तो बोले उसमें कोई इशू नहीं है, चांसेस नहीं है कि वहाँ पर कोई कैजुअलिटी हो। पर फिर भी रिस्क ये है कि कोई बड़ा अटैक हो गया, मान लो कि मिसाइल अटैक हो गया, तो फिर बाद में रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। और क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, इनमें जब ऑटोमेटिकली रुक तो जाएगा, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहा है, कोई डिजास्टर वहाँ पर डिटेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा। पर शट डाउन होने के बाद में ठंडा होने में भी तो टाइम लगता है ना। अब ठंडा होने के लिए वहाँ पर कूलिंग सिस्टम होता है, वो कूलिंग सिस्टम एक्सटर्नल पावर से ऑपरेट होता है। अब वो एक्सटर्नल पावर ऑपरेशन के लिए ज़रूरत होती है कि आपको कुछ सेपरेट डिजिटल जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, वो अरेंज करके रखने होते हैं। पर आप देखो कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही कट गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट शट डाउन कर गया, तो वो क्या ठंडा हो पाएगा? अब ठंडे होने में दिन से लेकर के हफ्ते लग जाते हैं। अब वो अगर ठंडा नहीं हुआ तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अंदर की स्टील की लेयर और ये है, ये मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट कर गई तो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रोटेक्टिव शील्ड खत्म हो गई तो फिर बाद में रेडिएशन के चांसेस बन जाते हैं। वो बात ठीक है कि न्यूक्लियर स्टेशंस में हमेशा से बैकअप जनरेटर्स होते हैं, पर अगर बैकअप जनरेटर भी काम नहीं करता है तो फिर रिस्क हो जाएगी। जैसा कि जापान के फुकुशिमा में जब 2011 में सुनामी आई थी, तो सुनामी की वजह से इतनी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जिसके बाद में रेडिएशन निकले थे बहुत सारे। पर उसके पीछे प्रॉब्लम किसकी वजह से आई थी? जो ऑटोमेटिकली शट डाउन होना होता है ना, वो शट डाउन होने के बाद में जो रेगुलर पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग के लिए, वो कूलिंग सप्लाई नहीं हो पाई, और उसकी वजह से फिर बाद में वो सिस्टम जो था मेल्ट कर गया। मेल्ट करने के बाद में जो इंटरनली न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही थी उनकी वजह से रेडिएशन फैला था। तो प्रॉब्लम दूसरी है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है। कि डायरेक्टली अगर कोई मान लो गोली चलाए, कोई छोटे मोटे बम बारूद फोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, और अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बैकअप में जो चाहिए वो अगर काम नहीं करेगी तो फिर रिस्क हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। इसके अलावा IAEA है, वो तो ऑब्जर्व करता ही है, और IAEA की टीम ही अभी आई है और वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी कहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन जो है वो NPT का सिग्नेटरी है ही, ठीक है। तो प्रॉब्लम है पैसिव सिस्टम की, ना कि एक्टिव सिस्टम की, ओके। मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देख लिया, ओके। और एक रिस्क और है यहाँ पर, क्या कि आपको पता है कि वॉर वल्नरेबल जोन है अभी यूक्रेन, तो वहाँ पर ये जो ज़ेफ़िरेज़िया पावर प्लांट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आइटम भी पड़ा होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा क्या रॉ मटेरियल भी पड़ा होगा, न्यूक्लियर जो रॉ मटेरियल है, तो वो अगर किसी रॉग इंडिविजुअल्स के या रॉग ग्रुप के हाथ लग जाता है, कोई टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग जाता है, तो कितनी रिस्क हो जाएगी। इसलिए IAEA का वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का मेन पर्पज ये है कि किन्हीं गलत हाथों में ना पहुँच जाए ये न्यूक्लियर फैसिलिटी का कोई भी मटीरियल, नहीं तो फिर उसका वो मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पता तो पड़ेगा नहीं कि हाँ भाई कौन क्या लेके जा रहा है न्यूक्लियर मटेरियल को, और वो फिर भी गलत तरीके के बॉम्ब बना करके गलत इलीगल मैनर में उन्होंने यूज़ कर लिया, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये एक इश्यू यहाँ पर और आ जाता है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, BJP लीडर सोनाली फोगाट की अभी रिसेंटली डेथ हुई, और उसके पीछे कारण जो है पूरा फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद में क्या निकल के आया, एक रिक्रिएशनल ड्रग एंजॉय करने के लिए ड्रग लेने का जो है वो ड्रग उनकी बॉडी में सब्सटेंस उसका मिला। ड्रग का नाम है मेथमफेटामाइन, ठीक है, मेथमफेटामाइन, जिसको मैथ भी बोल सकते हैं, मैथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहले तो ये था कि किसी ने मारा पीटा होगा, इस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया प्रॉब्लम, फिर बाद में ये पता पड़ा कि ओवरडोज ले ली थी मैथ की, मेथमफेटामाइन की। तो वो जो चीज़ है उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ के हिसाब से क्या बोला जाता है मेथमफेटामाइन के लिए, कि मैथ जो है ये पावरफुल
हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है, मतलब नर्व सिस्टम, हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है ना उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है ज़बरदस्त तरीके से स्पीड से। और इसका, इस ड्रग का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ADHD के ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर आप कह सकते हो स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, नींद नहीं आना, वो उसको ट्रीट करने के लिए ये दवा यूज़ की जाती है। पर वही चीज़ है कि इसका यूज़ करके सेंट्रल नर्व सिस्टम को आप बावड़ा बनाते हो, पागल बनाते हो, और उसी से क्या हो जाता है फिर वो नशा सा महसूस होता है। नशे में क्या होता है भाई, एक्चुअल में एडिक्शन जो होता है, रिक्रिएशन के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनमें क्या करते हो, नर्व सिस्टम के ऊपर आप इम्पैक्ट डालते हो, फिर आपको यूँ फील होता है कि हाँ पूरी दुनिया हवा में है, उड़ रही है, वो वाला होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट के लिए ड्रग है, बट इसका मिसयूज़ किया जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये जो मेथमफेटामाइन जो है, या क्रिस्टल मैथ जिसको बोलते हैं, ये ड्रग जो है ग्लास लाइक फ्रेगमेंट्स में होती है, शाइनी चमकीली, जैसे शीशे का बुरादा हो इस तरीके से होता है, ठीक है। ब्लूइश वाइट रॉक की का अपीयरेंस होता है, और इसको लेने के तरीके अपने को मतलब नहीं है। खैर, स्मोक भी किया जा सकता है, स्वेल भी की जा सकती है, दवाई भी, पिल भी ली जा सकती है, टैबलेट टाइप भी, ठीक है। वैसे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है मेथमफेटामाइन के लिए, देखो ये एक तरीके का इसमें जो होता है ना कि जिस तरीके एक तरीके से अगर ओवरडोज ले ली जाती है तो हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बनती है, और वही अभी सोनाली फोगाट के साथ हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक हम नॉर्मली बोल देते हैं, राइट, जनरल भाषा में। वैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हार्ट में किस पर्टिकुलर पार्ट में इम्पैक्ट ये डालती है वो स्पेसिफाई करता है, ठीक है। जो बायोलॉजी वाले होंगे वो समझ गए होंगे अब तक, तो ठीक है। फिर आगे देखो, इससे स्ट्रोक भी आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, इन पर भी साइड इफेक्ट आते हैं, ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, सडनली अचानक से बढ़ सकता है, ठीक है, ओवरडोज की वजह से। ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट है, देखो NIDA के हिसाब से ये कहा जाता है कि जब मैथ अगर लिया जाता है तो वो हमारे ब्रेन में, हमारा जो दिमाग है उसमें डोपामाइन करके एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, केमिकल क्रिएट होता है, और वो क्रिएट जब होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली, हमारा नर्व सिस्टम है ना, वो इस तरीके से बिहेव करता है कि एकदम फ्रीली आपको सारे पेंस, और एकदम कहते हैं ना कि सुपर नेचुरल पावर फील करवा देता है। कुल मिला के बात समझ गए होंगे आप ये, तो कुल मिला करके ये प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे, ओके जी। और बाकी अगर देखो तो यहाँ पर मेन जो चीज़ थी वो तो हो गई है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक कमेंट आता है कि सर आप बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रहे हो आजकल गवर्नमेंट को लेकर के, ठीक है। तो हाँ, कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है, पर आप इसको करेक्ट कर लेना कि अगर मैं जैसे बोलूँ हाँ का मतलब मेरा ये नहीं है कि हाँ मैं वाकई में गवर्नमेंट को फेवर कर रहा हूँ किसी को, नहीं, मेरा अगर मुंह से निकल रहा है तो वो इस तरीके से ट्रेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे अभी मैंने बताया कि 2001 में हमने फ्लैग को चेंज किया था नेवी के, और 2004 में फ्लैग जो था वो दूसरा आया, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट कौन सी थी वो मेरे मुंह से निकल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टिल्ट लेकर के आना है, नो, हमें अनबायस्ड ही रहना है, ओके। तो कई बार अगर मुंह से निकल भी जाए कि हाँ जी इस टाइम पर ये गवर्नमेंट थी, इस टाइम पर ये गवर्नमेंट थी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर इतना सा सेंस है हमारे लिए कि 2001 में किसकी गवर्नमेंट थी आपको थोड़ा अगर रिकॉल हो जाए, क्योंकि 2001 में कई ऐसे इवेंट्स आएंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी आपके फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है, तो फेवरेट प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस उनकी जो काम है उनको आप बता सकते हो, उन कामों के फायदे और नुकसान भी आपको पता होने चाहिए, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, एक सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ABP न्यूज़ की एक वेब सीरीज है, यूट्यूब पे पड़ी है, प्रधानमंत्री, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है, वो ज़रूरी है, तब हमें पता पड़ेगा कि हमारे किस किस प्रधानमंत्री का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगर मेरे बताने बताने के चक्कर में, कई बार होता है ना कि आदमी जब पढ़ाता रहता है तो खुद की पर्सनल चीज़ें भी आती हैं, राइट, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2-2.5 साल से लगभग ये अपने एडिटोरियल का डिस्कशन चल रहा है, दो साल तो हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, यही अगस्त 2-3 से शुरू किया था मैंने, 2 साल कंप्लीट हो गए। तो 2 साल के पीरियड में अगर मैंने कहीं पे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए, क्योंकि भाई मानता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पर है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी तो कुछ है, पर हाँ उसका असर आप पर नहीं आना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर गलती से कहीं पे कुछ निकला हो करेक्ट कर लेना, आपको अनबायस्ड ही रहना है, ओके, आगे चलते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स, ठीक है। क्या है कोशिश, कि जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एग्जाम्स होती है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे ये डिसाइड कर रही है कि हमारे यहाँ पर स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड चलते हैं, सेंटर का अलग बोर्ड चलता है,
तो ऐसे में एक असेसमेंट यूनिफॉर्मिटी लाना ज़रूरी है, जिससे कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से पास आउट होते हैं उनको कई बार डिसएडवांटेज फील होता है कि यार एनसीईआरटी के लेवल की पढ़ाई हमारी नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो इस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए एक रेगुलेटर इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जिसका नाम है परख। परख की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब एक इंसान का पूर्णतः विकसित करने के लिए उसको असेस करना, उसकी क्वालिटी एजुकेशन को रिव्यू करना, उसके नॉलेज को एनालाइज करना, इसके लिए वो शॉर्ट फॉर्म होगी परख। इसमें क्या किया जा रहा है? यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से एनसीईआरटी एजेंसी और दूसरी तरफ से स्टेट्स की तरफ से जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, वो साथ में मिलकर के एक प्लान पे काम कर रहे हैं और वो प्लान जहां तक है 2024 तक रेडी हो जाएगा और 2024 में ये चीज़ इंप्लीमेंट होने लग जाएगी। आपको पता है कि जब कोविड आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पर हमें पता है ना NAS सर्वे करवाया था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो उस सर्वे से भी कुछ चीज़ें लर्न की जा रही है कि कैसे हम एक यूनिफॉर्म मैनर में इस तरीके का पैटर्न स्टैब्लिश कर दें कि जिससे कि कोई भी कॉमन एग्जाम हो नेशनल लेवल पे तो उस एग्जाम में बच्चे परफॉर्म करने से डरेंगे नहीं, है ना। तो वो चीज़ लाने के लिए ये परख का जो प्रोग्राम है ये लाया जा रहा है। इसमें जहाँ तक है साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने की बात की जा रही है, ठीक है, और ये चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी प्रपोज की थी कि 2 बार एग्जाम अगर होंगे तो पहली बार में बच्चे का असेसमेंट होगा, दूसरी बार में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पहली बार में जो असेसमेंट होगा वो हेल्प करेगा बच्चे की, ठीक है, और साथ में जो सेकेंड लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उससे क्या होगा कि बच्चे की, मान लो एक तो मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, तो एक पेपर आपने लिया तो उससे देख लिया कि हाँ जी एडिक्वेट नॉलेज हो गई है, बच्चे को अब 10th आराम से पास करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चे को जो 10th स्टैंडर्ड तक जो नॉलेज होनी चाहिए वो है। पर जैसे ही आप सेकंड पेपर लोगे उसमें आप ये देख लोगे कि कंपैटिबिलिटी क्या है, कितना ज़्यादा मैथ्स में कमांड रखता है, तो वो चीज़ निकल के आएगी। ये चीज़ आप बाकी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दो तो वो बेनिफिट फिर बाद में हायर एजुकेशन में डेफिनेटली मिलेगी उनको, ठीक है। पहले जो पैटर्न चलता था वही चीज़ लाने की बात की जा रही है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बाकी मैं बताता हूँ, हमारा खुद का दिया हुआ। जब मैं 8th क्लास में था, यस, 8th का पेपर दिया था, 9th का पेपर दिया था, हम लोग जब 10th में थे ना तब पहली बार ऐसा हुआ था कि MCQs और जो पेपर था सारा एक ही प्रिंट होकर के आता था। पहले हमें MCQs का पेपर अलग देना होता था, 1 घंटे का पेपर होता था, न्यू टाइप बोलते थे उसको, और डिस्क्रिप्टिव पेपर अलग होता था जो कि 2 घंटे का लगभग होता था, ऐसे 3 घंटे का पेपर हुआ करता था। तो सेम पैटर्न रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि पहले न्यू टाइप MCQs का अलग से पेपर हो जाए और फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाए। जो कि ये बताओ मैं एग्जैक्टली कब आया था, ये 2004 की जो 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स थी उसमें ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था जो आज आप एग्जाम दे रहे हो। अब 2003 का जो पैटर्न था ना वो लाया जा रहा है रिटर्न। ये तो चलो ठीक है कि मैंने एग्जाम दी थी तो याद आ गया, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। बस मेन चीज़ यही है, ओके। नेक्स्ट देखो, ब्राज़ील में एक ऐसी ट्राइब जिसको मॉडर्न मैन ने बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं किया, उस ट्राइब का लास्ट इंडिविजुअल था, वो भी उसकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। ब्राज़ील में एक स्टेट है जिसका नाम है रोंडोनिया, ठीक है, उसी स्टेट में अगर देखो तो तानारू करके इंडिजीनस टेरिटरी है, वहाँ पर ये ट्राइब रहती थी। ये देखो यहाँ पे तानारू इंडिजीनस टेरिटरी, जो कि स्टेट ऑफ रोंडोनिया, जो कि बोलीविया से जो बॉर्डर शेयर होती है ब्राज़ील की, वहाँ पर लोकेटेड है, और वहाँ पर ये लास्ट इंडिविजुअल था। ट्राइब का नाम तो देखो मैंने पूरा अच्छे से देख लिया, मुझे मिला नहीं है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये इस ट्राइब का ये लास्ट इंडिविजुअल का था, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। फिर बाद में ये देखा गया कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हुई है, किसी ने इसका मर्डर तो नहीं कर दिया है, वो सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तो पता पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और ब्राज़ील में जो इंडिजीनस प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका नाम है फ्यूनाई, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके आगे इकोनॉमी पेज पर ये है, हमने कितने ही आर्टिकल्स प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, आर्टिकल्स का मतलब इकोनॉमी पेज पे न्यूज़, कि डेटा इकट्ठा करने की कोशिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है, जबकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। साथ में ऐसे भी कई प्रपोजल हमने देखे हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने प्रपोज किए हैं कि हमारे पास में ये डेटा है, इस डेटा को हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, डेटा मोनेटाइजेशन का। पर वही बात है कि लगातार जब ये चीज़ समझ में आई या फिर कुछ लोगों ने पिटीशन लगा दी या कुछ सवाल उठाए जो हमारे सिविल एक्टिविस्ट थे उन्होंने, कि भाई बात ऐसी है कि आप ये बताओ कि आप ये जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जो डेटा मोनेटाइजेशन की ये कर रहे हो, तो आपके पास में क्या लीगल अथॉरिटी है
जिसके बेसिस पे आप डेटा को प्रोटेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम पे अगर देखें तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा डिजी यात्रा करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। सर्ट इन ने अपनी तरफ से जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उनको क्या बोला कि आप डेटा को इंडिया में स्टोर करके रखो, आप डेटा जो है वो इंडिया से बाहर नहीं लेकर के जाओगे, लेके जाओगे तो पूछोगे। जबकि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का जो था उसको विड्रॉ कर लिया, आपको नया डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं लाया जाए तब तक आपको कलेक्शन नहीं करना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे दी कि भाई डेटा प्रोटेक्शन जो है वो हमारे यहाँ पर एडिक्वेटली नहीं हो पा रहा और बिल में भी बहुत सारी कमियाँ थी। अल्टीमेटली अब जो कमिंग विंटर सेशन है तब जाकर के वो डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस होगा। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स देख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ले लो, देख लो, मिनिस्ट्रीज की बात कर लो, सिविल एविएशन हो, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटर सर्ट इन हो, ये अलग अलग तरीके से डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। IRCTC पे आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करके अपनी टिकट बुक करवाते हो, तो वो IRCTC ने भी अभी रिसेंटली टेंडर निकाला था, आपको ध्यान है। फिर IRCTC की कल परसों हमने न्यूज़ वापस देखी कि IRCTC ने वो प्रपोजल अपना विड्रॉ कर लिया, क्या सोच के कि यार हमारे पास में डेटा प्रोटेक्शन बिल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के डेटा प्रोटेक्शन बिल की कमी के बावजूद भी डेटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जा रहा है और उस डेटा को मोनेटाइज करने के लिए भी ऑर्डर्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि बाद में विड्रॉ कर ली जाती है वो ऑर्डर्स, पर फिर भी एक लापरवाही वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। कुल मिलाकर के ये चीज़ निकल के आ रही है। अब आपको क्या करना है, एक तो IAA दैट मींस इंडियन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन और एक वर्ल्ड बैंक, इन दोनों एजेंसीज के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।